एक्सीडेंट हो जाएगा। कहाँ है पत्थर, कहाँ है? अभी तो था। क्या हुआ शिवानी? मैडम यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर था। पत्थर? कहाँ है पत्थर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन था मैडम। चलो देखते हैं। कहाँ है पत्थर? यहाँ कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैडम मैंने सचमुच देखा था, यहीं पे था। शिवानी ये तुम्हारा वहम होगा। चलो गाड़ी में बैठो सभी। मैडम था पत्थर, किसी ने निकाला होगा। राम सिंह क्या बात है? पता नहीं मैडम, बस बंद पड़ गई, स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों रुक गई ना बस? मैम साहब ये बस तब आगे बढ़ेगी जब आप उस सामने वाले पेड़ की पूजा करोगे। क्यों, ऐसी क्या खास बात है उस पेड़ में? मैम साहब कहते हैं ना उस पेड़ पे किसी का बसेरा है, यहाँ दाखिल होने से पहले उस पेड़ की पूजा करनी जरूरी है, यहाँ के बड़े बूढ़ों का यही मानना है। बड़ी अच्छी बात है। अरे ये शिवानी कहाँ चली गई? तुम यहाँ हो शिवानी, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। क्या कर रहे हो शिवानी? देखिए ये वही पत्थर है जो मुझे बस के सामने दिखा था। पत्थर? यहाँ कोई पत्थर है? क्या हो गया तुम्हें शिवानी, कभी वहां पत्थर नजर आता है कभी यहाँ? मुझे लगता है तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ा है। मैडम आप अपनी आंखों से देख लीजिए ना, ये देखिए यहाँ पे। अरे आदमी जो बैठा था ना वहां पे, वो पूजा का सामान लेके आ रहा है। इस पेड़ की पूजा करते और चलते यहाँ से। यहाँ पे था। तू अभी मत खेल, आज मैं जीत रही हूँ। नो शिवानी नो चीटिंग यार। अच्छा चीटिंग? मैं करूँ वो चीटिंग और अभी तुम जो कर रही थी वो? जाओ मुझे नहीं खेलना। अरे ठीक है यार, नहीं खेलना तो नहीं खेलना, झगड़ते क्यों हो तुम लोग? नो झगड़ा नो पंगा प्लीज। ओके गुड। अरे शिवानी 4 दिन के इस ट्रिप में बहुत बोर हो गए है ना? और कोई हैंडसम लड़का भी नहीं नजर आ रहा है। गोवा में यू नो समथिंग, बताया ना कल हम कहाँ जा रहे हैं? बोटानिकल गार्डन। सुना है वहाँ दिल्ली के लड़कों की टीम आने वाली है। एंड दे ऑल आर बॉटनी स्टूडेंट्स। ओह दैट्स ग्रेट, फिर तो मजा आएगा। दिल्ली के लड़के, वाओ। शाहरुख खान भी तो दिल्ली का ही है ना? थैंक गॉड, 4 दिन बाद ही तो सही मजा तो आएगा। एग्जैक्टली। बोटानिकल गार्डन जाते वक्त रास्ते में जो पेड़ आएगा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है वहाँ के नाम से भी। बड़ी अजीब सी बातें बता रहा था यहाँ का चौकीदार। तू कहाँ ये घोस्ट और भूत भूत में विश्वास रखती है? और हम लोग कितनी अच्छी रोमांटिक बातें कर रहे थे, ये भूत की बात कहाँ ले आई? अच्छा चलो अब हम लोग सोते हैं, कल सुबह बोटानिकल गार्डन जाना है ना? नहीं बाबा, मैं यहाँ बाहर सोऊंगी। हम लोग हाँ। नहीं बाबा मैं तो बाहर नहीं सोऊंगी, मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मैं अंदर ही सोऊंगी। जिसको जहाँ सोना है वहाँ सोना, मैं तो यही सोऊंगी बाहर। जा अपने पिलो लेके आओ जल्दी। Oh
हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम शिवानी है ना, मुंबई में रहती हो ना तुम, तुम्हारे घर में माँ दीदी और जीजा जी है ना? हाँ तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मुझे ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? शिवानी किससे बातें कर रही हो? मैडम मैं इससे ये देखो सभी सो गए हैं, रात बहुत हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। हाँ हाँ मैं आ ही रही हूँ। अरे कैमरा कहाँ गया, यहीं तो रखा था। Thank you.
सुनिए, सीताराम कॉलेज के हॉस्टल का रास्ता मालूम है आपको? रास्ता तो यही है, लेकिन तुम इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हो? देखिए, हम लोग कुछ कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे। दोपहर को मेरा कैमरा एक जगह गुम हो गया था, उसे ढूंढने के चक्कर में सुबह से शाम हो गई, मेरी बस भी छूट गई। आप मुझे प्लीज रास्ता बताइए, मैं भूल गई हूँ। देखो रास्ता यही है, लेकिन जल्दी चले जाओ, ये इलाका ठीक नहीं है। जाओ 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 जाओ। शिवानी, तुम इसे ही ढूंढ रही थी ना? तुम यहाँ इतनी रात गए? उस रात कहाँ चली गई थी तुम? मैं यही थी। तुम दोस्ती करोगी मुझसे? हाँ, लेकिन मैं कल मुंबई वापस जा रही हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलोगी? हाँ, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम हो कौन, रो क्यों रही थी उस रात? गाड़ी खराब हो गई थी, कहते हैं उस पेड़ पर लटक के किसी लड़की ने आत्महत्या की थी। See, this is the thing I was talking about. Yeah, this is सुबह की दोपहर हो गई, अभी तक शिवानी नहीं आई। ओफो मामा, आ जाएगी, इतनी देर तो हो जाती है। तू तो हमेशा अपनी बहन की साइड लेती है। ठीक ही तो है मॉम, आ जाएगी। चलिए तब तक हम सब लोग खाना खा लेते हैं। आइए आइए। मैंने सोचा था कि शिवानी आ जाएगी तो साथ बैठकर खाएंगे। अरे अब वो कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी रही है यार, दोस्तों में देर तो हो ही जाती है। शिवानी, थैंक गॉड तू आ गई। कैसे रही तेरी ट्रिप? वहां किसी को परेशान तो नहीं किया ना? झगड़ा तो नहीं किया ना किसी से? मामा, अभी तो आई है बेचारी, से सांस नहीं। कैसे हो तुम? भाई तुम्हारी दीदी का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी याद में दुबला जरूर हो गया। दीदी, आओ मैं तुम्हें कुछ बता दूँ। आओ तो सही। तो दिल्ली का लड़का पसंद आ गया क्या? तुम आओ तो सही। ओके।
कोई पाके जाओ। शिवानी बड़ी सहमी सहमी सी लग रही है ना? लगता है किसी से झगड़ा करके आई है। हो सकता है। Oh my God, मुझे मीटिंग के लिए दो रोज़ मॉम, I'll go। लेकिन खाना? माँ मुझे वैसे भी भूख नहीं थी, मैं चलता हूँ। I'll see you later, bye। डार्लिंग जल्दी करो ना यार, हमें मीटिंग अटेंड करनी है। नंदिता शिवानी, तुम नंदिता के साथ? मैं तुम्हें साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ ना।